Hey what is up guys, welcome back to the another सिलसिला। तो आप आ चुके हैं एपिसोड नंबर 3 पे। एक्चुअली गाइस पिछले वाले एपिसोड में आई होप तुम लोगों को पता है हमने इस खतरनाक वाला पेट्रोल का पकड़ा था एंड साथ ही साथ बहुत सारा सेटअप किया। एक्चुअली इतना भी कुछ नहीं, अपन पुअर थे, अभी भी पुअर ही है। सो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं नेक्स्ट एपिसोड। गैस हम लोग हार्ड में खेल रहे हैं और हम लोगों को बहुत तकलीफ हो रहा है नारकोटिक बनाने में, तो बेरी फार्म करने में बहुत तकलीफ हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कोई ऐसे डायनो टेम कर लो जिससे अपन बेरी फार्म कर सकते हैं। एंड एक्चुअली मेरे बेस के बगल में खतरनाक वाला डायनो घूम रहा है। हाँ गैस बेस तो नहीं बोल सकते, यहाँ पे नहीं बनाने वाले, यहाँ पे एक 170 लेवल का स्टीगोर जिसको मैं पकड़ने वाला हूँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इसी के साथ और भी बहुत सारे चीज करेंगे अपन। मेटल पीकेक्स एंड हैचेट का एसेंडेंट वाला ब्लूप्रिंट भी फार्म करना है। एंड इससे पहले हम लोगों को बनाना है एक खतरनाक वाला स्पाई ग्लास, एंड जिसके वजह से अपन इधर से उधर बहुत सारा चीज़ देख पाएंगे, मतलब टॉर्पोरेट एंड लेवल्स देख पाएंगे दूर दूर का, समझ रहे हो ना। सो अपन इसके लिए सबसे पहले क्रिस्टल लेना है, और मेरे को जस्ट आइडिया है कि अपन लावा के उसे ले सकते हैं। आई नो तुम लोग नहीं लेते, बट मैं लेता हूँ क्योंकि मैं आसपास कोई होता ही नहीं तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। सिंपल सी बात है, बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता कि आप यहाँ से भी क्रिस्टल थोड़ा सा फार्म कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा। स्पाई ग्लास के लिए तो जितना हो सकता उतना, तो फटाफट फार्म कर लेते। जब भी मैं हार्बर आइसलैंड पे बेस बनाने का सोचता हूँ भाई आता हूँ, हमेशा यहाँ से मैं क्रिस्टल ले जाता हूँ। क्या सीन है, आई होप इतना कॉफी एंड काफ़ी है, एंड जाके आई होप एक मस्त वाला स्पाई ग्लास बन जाएगा। एंड फिर स्टीगो का देखेंगे और उसको टेम करेंगे, फिर अपन को हंटर क्यू करके एक मस्त वाला एसेंडेंट पिकैक्स एंड हैचर दिखना होगा, फार्म करके देखना होगा उसके लिए क्या क्या चाहिए। एंड फिर सोचेंगे नेक्स्ट क्या टेम करना है एंड बेस कहाँ बनाना है। अभी तक तुम लोगों ने नहीं बताया कि बेस कहाँ बनाऊँ। सो सीरियसली फाई गेस्ट के लिए भाई बहुत सारा सामान चाहिए, और इतने सारा सामान फिलहाल इधर नहीं है, सो मेरे को जाना पड़ेगा मेरा हार्बर आइसलैंड पे। सो लेट्स गो। तो अपन आ चुके उड़न भरते अपना पेट्रोडन पे एंड जस्ट पुल कर लेंगे। एक्चुअली ये पीसी की तरह पुल नहीं होता, होता तो मज़ा आ जाता। सो जस्ट पुल और क्या टेकल कर लेते हैं एंड इसको जस्ट क्राफ्ट कर देते हैं। एवरीथिंग इज ट्रांसफर ऑल, दैट्स इट, सिंपल हो और बन गया अपना स्पाई ग्लास। अभी फटाफट से देख लेते हैं। एक्चुअली मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग चुका है, सो मेरा फूड बार खत्म हो चुका है। सो मेरे को पहले फूड बार को इंक्रीज करने दो। ओके हो चुका है सेटअप एंड देखते हैं इसका टॉर्पोरेटिव 5.5। नाइस। तो यार गाइस अपन उसके लिए एक एरो चाहिए। एक्चुअली मैं कंपाउंड वो के लिए तो भाई वाटर में जाके बेसिलोसोरस मारना होगा, बट फिलहाल यहाँ से डेप्लोसोरस मार के काम चला हुआ एक अपन को शायद वो मिल जाएगा। सो वुडन वो बहुत कॉफी एंड काफी आई जो इससे हो जाएगा 183। इससे मस्त वाना हो रहा है। अरे भाई साहब यहाँ पे थेरी कहाँ से आ चुके हैं, व्हाट इज दिस डैमेज कहाँ से पड़ रहा। अरे भाई फिर से डैमेज, ये क्या सीन है, थेरी कहाँ है और मैं कहाँ हूँ, डैमेज कैसे आ रहा। कुछ भी भाई ये मेरे दस समझ से बाहर है भाई, किसी भी तरह पीटी से बैठो और ऐसे निकलो भाई। बूम थेरी ने मेरे को एटलीस्ट मार ही दिया था बोल सकते हो। फ्यू मिनट्स लेटर आ चुके वापस अपन और नाइट हो चुका है, और फटाफट स्टीगो को थोड़ा सा अटकने का ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि अटक लेगा तो भाई अच्छा होगा ना कि वो नहीं मारेगा हम लोगों को। सो अपन ट्राई कर लेते हैं इसको यहाँ पे फंसा लेने का, जस्ट ट्राई करेंगे। सो आई होप इतना कॉपी एंड कॉपी है। सो इसी के साथ डे भी हो चुका है, फटाफट इसको अपन का बहुत। एक्चुअली गाइस मेरे पास ज़्यादा एरो भी नहीं है, पता नहीं क्या करूँ यार, मैं ज़्यादा एरो नहीं बना पा रहा ट्रैंक एरो। सो जस्ट 22 बनाया और 3 एक्स्ट्रा बनेगा। सो कोई दिक्कत ना, आई होप इतने से हो जाएगा ये नॉक्स। स्टार्ट करते इसको नॉकिंग, पाइप एंड पाइप के तौर पर दे पाएंगे क्या। एक्चुअली मैक्स वाला मिल जाता ना एक मज़ा आ जाता, मैक्स वाला कंपाउंड को मैं ट्राई करूँगा बिस्लोसोरस मार के। बट पानी में जाने के लिए भी भाई सामान चाहिए, अभी मेरे पास उतना सामान नहीं है कि मैं पानी में जाऊँ। वो सूट वूट भी बनाना बहुत महंगा है, फेब्रिकेटर भी बनाना है, कितने सारे चीज़ें, इतना चीज़ नहीं करना। और फिलहाल तो भाई एपिसोड नंबर 3 है, सब कुछ कर लूँगा तो कैसे चलेगा। सो आई होप ये नॉक होने वाला है इतने जल्दी, भाई मज़ा आ रहा है। जस्ट मेरे पास लास्ट 4 एरो आ हुआ है, किसी ने नोटिस किया ये नॉक होगा कि नहीं पता नहीं, प्लीज़ हो जाना चाहिए नहीं तो भाई रोना आ जाएगा। सो आई होप भाई नॉक होने वाला है। भाई ये तो निकल चुका है ऐसे ना भाई, ये क्या सीन है भाई साहब, भाई मेरे को मर रहा, ये तो बहुत ही गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए था। सो एटलीस्ट मेरे पास एरो ख़त्म, क्या करूँ मैं, क्या करूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कोई आइडिया भी नहीं आ रहा क्या कर सकते अपन। एरो ख़त्म हो चुका है एंड इसका टॉर्पोर कितना है, 4.4 है। और भाई क्या करूँ, गुस्सा मार के नॉक करो क्या, मेरे पास 1 एरो भी नहीं है। अच्छा 3 है ना, उसको बना सकते हैं, बट फिलहाल ये तो पानी में जा रहा है, कहाँ करे भाई। अभी तो मेरा सिर दर्द होने वाला है भाई, ये पानी में चला गया। A few moments later. तो गुड लक है गाइस, ये ऊपर आ चुका है और मैंने थोड़ा सा और एरर बना लिया 4-5।
सो फटाफट आई होप अभी नौ को जाना चाहिए प्लीज़। ये सेकंड स्टिगो को कहाँ से आ चुका है भाई, ये भाई पहली बार है किसी स्टिगो को नक करने में इतना मेहनत हुआ, बट फिलहाल ये 110 लेवल वाला मेरे को बहुत दिक्कत कर रहा है, तो इसको दुकान बंद करना तो बनता ही है। जो चलो गोली नहीं मारा, स्वाट से ही काट डाला, सिंपल। एंड ये जितना लेवल हो अपन इसको टीम करने वाले हैं, अपना सेकेंड डायनो लेवल है अपना हार्ट सर्वाइवल सीरीज में। सो हो चुका इसको, और इसको दे देते हैं बहुत सारा। एक्चुअली गाइस इसको ट्रैप करके मैं सो जाता तो इसका फुटबॉल डायरेक्टली जीरो हो जाता, बट वो कैसे करूँ भाई, वो हुआ ही नहीं, क्या ही करे। लाख जब बुरा होती है तो बहुत कुछ होती है बुरा बुरा। Few minutes later. इसके साथ गाइस ये 31.6% हो चुका है, बट अपन बना लेंगे इसका सैडल्स, और सैडल के लिए जब हाइट दिखाता है ना एकदम दुपक दुपक करते, क्योंकि अभी बहुत हाई लेवल अवेलेबल डालो, इतने डायनो को मारने का मेरे को दिल ही नहीं करता, और मेरे को हाइट के लिए कुछ तगड़ा वाला डायनो टीम करना पड़ेगा। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ एक उल्ट टीम कर लूँ मैक्स वाला, या तो एक थेरी वेरी टीम कर लूँ, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में वो सीन। अभी तो यार मेरे को एसेंडेंट वाला पिक एक्शन है चर्चा है, जब तक ना एसेंडेंट वाला चीज़ मेरे पास आए मेरा दिल शांत नहीं होता। सो यहाँ पे अपना हाइट नहीं है, कहाँ है मेरा हाइट्स, कहाँ गया, मिल गया 300, बहुत सारा हाइट मिला, बहुत सारा। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? तो फटाफट बना लेते अपना स्टीगो सैडल्स एंड ट्रांसफर ऑल, फुल करने का सीज होता ना भाई मज़ा आ जाता है, ये सीन डालना चाहिए पीसी की तरह, फुल कर लो, फुल करके जो चाहिए वो बना लो, नहीं तो हमेशा इन्वेंटरी में ले लेके भाई कितना मेहनत होती है। सो फटाफट चलते हैं गाइस अपना स्टीगो के पास एंड वहाँ पे सैडल देके वेट करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, वो स्टीगो है थोड़ा सा हाई लेवल भी है, अभी भी 39%, नाइस। तो इसी के साथ गाइस अपना स्टीगो लास्ट एंड फाइनल वेट खाने के लिए तैयार है, एंड ये पैरासर हट जा भाई। सो इसी के साथ 242 होके अपना स्टीगो सेकेंड डायनो बोल सकते हैं टेम हो चुका है, जिससे अपन बहुत सारा इजी पीजी बेरी भी फार्म कर सकते हैं। एक्चुअली मैं इसलिए पकड़ा, एक्चुअली मेरे को ये पसंद आ गया इसलिए पकड़ा, क्या ही बोलो। सो इसका नाम रखते हैं स्टाकू, आई होप तुम लोगों को ये नाम पसंद नहीं होगा, तुमको जो पसंदीदा नाम है कमेंट सेक्शन में डालो, आई विल ट्राई टेक यू नेम्स एंड मैं मेरा डायनो को दे दूंगा, मेरा या क्या ये तुम्हारा भी डायनो है बोल सकते हो। सो थोड़ी ना मेरा सिंगल का है। सो चलते गाइस, और क्या ही बोलो, खतरनाक है स्टीगो अपना, मज़ा आ रहा है, जो भी हो बहुत ही स्लो चलता है भाई, इससे ज़्यादा तो ट्राइक बहुत फास्ट है, बट उतना सामान नहीं कि मैं ट्राइक पकड़ूँ, स्टीगो ही ठीक है मेरे लिए अभी तो। सो गाइस बहुत सारा मेरा फिलहाल नार्कोटिक बना लिया 128, और इससे गाइस नेक्स्ट टाइम आप मस्त मस्त डायनो टीम कर पाएंगे, बट इससे पहले अपन जो बोले थे वो करेंगे। अभी सबसे पहले चलेंगे रेड ऑब्लिक, नहीं ब्रो अपन जाने वाले ग्रीन ऑब्लिक, एंड यहाँ पर जाकर सबसे पहले अपन टू बैट स्पैम करेंगे, स्पेमियन लगाएंगे। सो लेट्स गो। सो गाइस इसके साथ टू बैट हो चुका है वन फाउंडेशन के ऊपर, एंड एक बॉक्स भी लगा देते हैं। नेक्स्ट अपन जाएंगे हंटर के, वन हंटर के में क्या होता है तुम लोगों को पता है। सो कुछ अच्छा ही हो तुम्हारे भाई के साथ, ये होप है शायद, करो तुम लोग स्प्रे। सो अपन चलते हैं, इससे सारा सामान सेटअप हो चुका है। टू बैट्स लगाने का ये मकसद है कि टाइमर ना लग जाए, क्योंकि मरने के बाद कभी कभी सिंगल बैट पे क्या होता है टाइमर आ जाता है, वो ना हो इसलिए टू बैट्स। सो लेट्स गो, लेट्स गो। तो अपन आ चुके मस्त वाला अपना हंटर के ओके एंट्रेंस में, आए तुम लोगों को पता है हंटर के ओके बहुत टाइम से तुम लोग खेलते हो तो पता तो होना ही चाहिए मेरे तरह। सो और मैं आते वक्त एक ड्रॉप भी मिला था, वहाँ से कुछ सामान भी मिल गया था पॉकेट का। सो फ्री का मिलता है भाई हर वक्त, जो भी क्यों में घुसू थोड़ा सा लैग करता ही है, वो हर किसी के साथ होता है जस्ट लाइक मी। सो आगे घूरते एंड ये बहुत इजी एंड सिंपल के हुए, बट थोड़ा सा हार्ड है। सो आई हैव नो आइडिया इसके अंदर कुछ खतरनाक भी हो सकता है, आर्थर हो तो दिक्कत हो, बट आर्थर नहीं है तो कोई दिक्कत ना है, क्योंकि आर्थर तंग करता है सीरियसली बोले तो, आर्थर को जो डैमेज दूंगा वो वापस मेरे पे आ जाता है। सो लेट्स गो इजी पीजी, किसी भी तरह अपन कंटेनर तक चला जाएंगे ना, तो वहाँ पे बैट लगा देंगे तो मज़ा आ जाएगा। सो लेट्स गो इजी के ओवर ऑट, या फिर एक एरिनो है जिसको अपन ने देखा नहीं, मतलब एरिनो ने भी अपन को नहीं देखा, देखा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन को पकड़ नहीं पाएगा। सो यहाँ पे भी एरिनो है, यहाँ पे एक आर्थर है भाई साहब, जाते वक्त मेरे को तंग ना करे तो चलेगा। सो इन लोगों को सबको पेल देते हैं, ट्यूशन दे देते हैं, तो चलो सब लोगों को ट्यूशन दे दिया अपन ने भाई बहुत मस्त तरीके से, और लास्ट एंड फाइनल्स एंड टाइटन भुआ ने डंक मार दी, बट टाइटन भुआ को अपन ने उड़ा दिया, खेल खत्म दुकान पर। सो ये रहा अपना कंटेनर आउटपुट, आई तुम लोग को पता है सबसे पहले इस टॉस को जलाते हैं और ये फेंक देते हैं 12 मिनट के लिए भाई, यहाँ पे एकदम लाइट लाइट हो जाएगा। सो ये रहा भाई ये टाइटन भुआ का एक्सप्लोरर नोट, एंड तुम लोगों को जानना चाहते हो कि एक्सप्लोरर नोट कहाँ कहाँ है आइसलैंड मैप में, एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे चेक कर लो भाई, मैं 3 वीडियो के बना के रखा मस्त तरीके से हर एक एक्सप्लोरर नोट को एक्सप्लेन करते हुए। सो यहाँ पे गाइस लगाते हैं फटाफट से टू बैट्स, भाई God, please, no! मेरा बैड ही नहीं लगा, फाउंडेशन ही नहीं लगा, क्या सीन है भाई, एक सेकेंड
अभी तो लगा कहाँ गया बैट, ओके क्या सीन है। पहली बार अपना स्पैम किया बट नहीं लगा, वो मेरा बैड लक था या फाउंडेशन का बैड लक था पता नहीं, बट मैं खेल रहा हूँ तो मेरा ही बैड लक होना चाहिए। सो ठीक है, सिंपल बैड इज स्पैम एंड यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लगाए थे क्योंकि यहाँ पे एरिनो आर्थ्रो ये लोग मिल के मेरा बैड तोड़ देगा तो मेरे को बुरा लगेगा, क्योंकि हंटर के भाई बहुत बार करना पड़ता है, तुम लोगों को पता है मेरे पास अभी बाम है, फिर भी लगा लेते सेफ्टी फोर एंड 3-4 बार तो करना पड़ेगा अपन को एसेंडेंट वाला ब्लू प्रिंट के लिए। अपना डोर हैरिस क्राफ्ट कर लेते, कोई दिक्कत ना है, थोड़ा बहुत तो सामान मेरे पास है ही भाई, कितने सारे मिर्च है, मैं खाऊंगा सारा रॉ मिर्च तो छोड़ो। एंड इसको अभी ओपन करते फटाफट, कंटेनर लेते हैं एंड फिर निकलते हैं। एक्चुअली कैसे मर जाते हैं या चलते हैं सीधा, जाने में तो भाई बहुत टाइम लगा, इधर मर के सीधा अपन ग्रीन ऑब्लिक पे क्या बोलते हैं देखते हैं गाइस। सो लेट्स गो एंड ये ले लिया अपना कंटेनर से आर्टिफैक्ट एंड अभी स्वाट लेके चलते हैं बाहर, अपना बहुत सारा एरिया अपन के लिए वेट कर रहा है। सॉरी माफ कर दो भाई, मैं गलत कर दिया, आर्थ्रो पे मार दिया मैंने। चुप हो जा सातवीं फेल। आई हैव, तुम लोगों को पता नहीं मेरे स्वाट का रेस 635 है और मैंने 635 का उसको मारा सीधा, वो 635 डैमेज मेरे को पड़ गया और सीधा मैं मर गया, समझ रहे हो। इस ये सीन हुआ था यहाँ पे, जो लोग समझ में नहीं आ रहा, आर्थ्रो पे तुम जो डैमेज दोगे मिली डैमेज वो फुल डैमेज तुमको रिटर्न देता है। तो यहाँ पे मेरे चो मार चुके हैं समथिंग बेम और बहुत सारा चीज़ें, तो लेट्स गो फटाफट हम बहुत सारा फार्म करते हैं। भाई कुछ भी नहीं मिला मेरे को, पहले मरना पड़ेगा फिर के मैं वापस स्पॉन होना पड़ेगा। मेरे को एसेंडेंट का पीकेक्स एंड हैचेट का ब्लूप्रिंट चाहिए भाई, ये बाम बाम नहीं, बाम बाम बहुत है मेरे पास फिलहाल, तो गॉडफादर से लेके आया था ना भाई, ये ट्राई के हाथों ही मरते हैं। 106 लेवल इसको टीम कर सकते नहीं गाइस, नेक्स्ट टाइम जो टीम करेंगे 240 लेवल या 50 लेवल प्लस होना चाहिए, ठीक है। सो इसी के साथ गाइस अपना सोआ हो चुका है एंड अपन आ चुके हैं अगेन हंटर के ऊपर एंड ओपन द डोर्स एंड हाथ पे कुछ रखते हैं भाई, कोई तो खतरनाक देख ही नहीं रहा। सबसे पहले डोर ओपन कर, ऑफ अरे ऑफ हो जा भाई, अंदर घुस के मेरा बैट नहीं तोड़ना चाहिए कोई भी। एंड ले चुका हूँ सप्लाई सेंटर से अपना आर्टिफैक्ट और अभी तो भाई जो भी है मार दो भाई, मेरे को दिक्कत ना है, मेरे को मर के जाना है। एंड पेट्राडन का कोई दिक्कत नहीं है, रिक्वेस्ट करके बुला लेंगे जहाँ पे मर्जी। सो आई होप तुम लोगों को पता है सिंगल प्लेयर का सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो है अपना रिक्वेस्ट चीज़, कहीं पे भी अपना डायनो टेलीपोर्ट करा सकते हैं बट गीगा को छोड़ के। सो सुहा हो चुका है तुम्हारा भाई का, अभी अगेन अपन ग्रीन ऑब्लिक के स्पॉन लेते हैं एंड देखते हैं प्लीज मिल जाओ इस बार, कितना तकलीफ देते हो लोग छोटे से बच्चे को। तो ये रहा अपना खतरनाक वाला ग्रीन ऑब्लिक एंड आई होप अभी मिल जाना चाहिए और ट्रिब्यूट किया, कौन सा चीज़ मिला देखने दो। ला 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 आ जाओ, ओके अपन को पी के एक्स हैचेट मिल चुका, आई होप अच्छा खासा हो, प्लीज़ प्लीज़। कितना डैमेज है 232, नाइस। बट इसको बनाने के लिए बहुत सारा रिचोर्स, बट देख के मूड ऑफ हो गया, इसको बनाने के लिए रिचोर्स ज़्यादा नहीं चाहिए 151। बट हैचेट देखा गाइस, इतने सारे रिचोर्स मैं कहाँ से लाऊंगा इस हैचेट के लिए, पी के एक्स तो बना लूँगा इजी पीजी। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइस अगेन अपन आ चुके हैं आर्टिफैक्ट लेके मर भर के, सो देखते हैं इस बार क्या मिलता है। एंड कर दिया ट्रिब्यूट, व्हाट इज़ द खतरनाक लूट देखना दो प्लीज़ जल्दी करो। तो और एक बार, तो अपन टोटल 3 बार कर चुके हैं और 3 बार में नहीं 4 बार कर चुके हैं, 4 बार में 3 बार में अपन को 3 बार मिल चुका है और ये तो भाई एकदम खतरनाक वाला फालतू का सवार मिल चुका है। और जो अपन को हाईएस्ट अभी पीकेक्स मिला है वो 157 है, जिसको मैं बनाऊंगा, जिसके लिए ज़्यादा रिचोर्स भी नहीं है ये। और अपना जो हैचेट है इसके लिए बहुत ज़्यादा रिचोर्स चाहिए सीरियसली, 821 के भाई गाइस। इतने सारे हाइट फार्म के लिए नेक्स्ट अपन को कुछ खतरनाक डायनो टेम करना होगा, बट फिलहाल के लिए अभी ऑल बाय।